मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने फरमाइश की थी पंजीरी के लिए, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत मज़ेदार सी पंजीरी। स्पेशली न्यू मदर्स के लिए ये बहुत ताकतवर फूड है। बहुत सारे लोग इसे सर्दियों में खाना पसंद करते हैं, आप इसे मिठाई के तौर पे भी खा सकते हैं। ये एक तरह का ड्राई हलवा है जिसमें बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं और बहुत मज़े की बनती है। तो इसके लिए हम इन्ग्रीडियंट्स देख लेते हैं और इसकी तैयारी शुरू करते हैं। गोंद या पंजीरी बनाने के लिए हमें चाहिए सूजी। ये मैंने 500 ग्राम्स आधा किलो सूजी ली है, उसी हिसाब से मेरे पास यहाँ पर आधा किलो या 500 ग्राम शक्कर, असली घी ले रहे हैं हम इसको बनाने के लिए, और ये असली घी में ही बनाई जाती है। अगर वो ना मिले तो आप बटर को क्लेरिफाई करके भी यूज़ कर सकते हैं, बनस्पति घी भी यूज़ कर सकते हैं। 2 कप घी है, 300 ग्राम्स आलमंड्स या बादाम, 200 ग्राम। पंजीरी में रेगुलर बादाम ही यूज़ किए जाते हैं। मेरे पास ये स्लाइस में कटे हुए हैं और मैं इसके साथ होल भी यूज़ कर रही हूँ। काजू या कैशू नट्स 200 ग्राम, पिस्ताशियो या पिस्ते 150 ग्राम, 4 मगज या मेलन सीड्स 100 ग्राम, डेसिकेटेड कोकोनट, पिसा हुआ नारियल 100 ग्राम, रेजिन या किशमिश 200 ग्राम। आप इनको साफ कर लें, वॉश करके ड्राई कर लें। ये इनको फूल मखाने कहा जाता है। अगर आप मुल्क से बाहर हैं तो ये इंडियन पाकिस्तानी स्टोर्स पे आसानी से मिल जाते हैं। फूल मखाने 50 ग्राम, इसे 4 गोंद भी कहते हैं, गोंद भी कहते हैं। ये मैं ले रही हूँ 140 ग्राम। ये बहुत बेनिफिशियल है स्पेशली फॉर न्यू मदर्स, क्योंकि ये हील अप करने में बहुत हेल्प करती है, बोन्स के लिए बहुत अच्छी होती है और ये बहुत आसानी से मिल जाती है। आप किसी भी इंडियन और पाकिस्तानी स्टोर पे इसको फाइंड कर सकते हैं। 1 टीस्पून पिसी हुई छोटी ग्रीन इलायची। तो ये थी सिंपल सी इंग्रेडिएंट्स। अब कुकिंग शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि खोपरे के अलावा सारे नट्स, फूल मखाने, 4 गोंद देसी घी के अंदर अलहदा अलहदा फ्राई करेंगे बहुत ही हल्की आंच पर। सबसे पहले हम गोंद फ्राई करेंगे 4 टेबलस्पून घी ऐड करके, उसे हल्का गर्म करें। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, देसी घी की अपनी खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है। गोंद ये इसमें शामिल कर दें, ये बहुत फूलेगी, ये डबल हो जाएगी फ्राई होने में। ये देखें, यह अब ऐसा ऐसा फूलना शुरू हो गई है। ये देखें साइज में ये बिल्कुल अब डबल हो चुकी है। बस लाइटली फ्राई करना है और इसके बाद हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे। अब इसी घी में हम ये मखाने भी फ्राई करेंगे और बहुत हल्की आंच पर फ्राई करने, ये बिल्कुल लाइटली से ब्राउन हो जाए तो हम इसे निकाल लेंगे। तो ये अब फ्राई हो चुके हैं और इनको निकाल लेंगे हम। वन टेबल स्पून घी ऐड करें और इसमें इस तरह ये आलमंड फ्राई कर लें। नट्स का कलर बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए, डार्क नहीं होना चाहिए, तो बहुत हल्की आंच पे इसको फ्राई करना है। तो ये फ्राई हो चुके, इन्हें निकालें। बहुत जबरदस्त से खुशबू आ रही है। अब इस तरह थोड़ा थोड़ा सा घी डालकर पिस्ते, काजू, किशमिश और 4 मगज हल्का हल्का फ्राई करें कि यहाँ तक नट्स की अपने भुनने की खुशबू आने लगे और फिर निकालें। अब मैं क्या करूँगी कि जो ज़िपलॉक बैग है मेरे पास, ये इसमें पिस्ते, काजू, कॉर्न, फूल मखाने जो हमने फ्राई करके रखे थे उनको मैं मोटा मोटा क्रश कर लूँगी या कूट लूँगी। हमारे पास जो फ्राई किए हुए 4 मगज और स्लाइस्ड आलमंड्स हम क्रश नहीं करेंगे, पंजीरी में बिल्कुल इसी तरह शामिल करेंगे। तो मैं ये अब इसमें बैग में डाल के मोटा मोटा क्रश कर लें या कूट लें।
ये काम आप ग्राइंडर में भी कर सकती हैं, चॉपर में भी कर सकते हैं और हवन दस्ते में भी कर सकते हैं। इसको इस तरह बेलन से या रोलिंग पिन से इस तरह कूट लें, क्योंकि हमें थोड़े से मोटे मोटे से रखने हैं। ये हमने पिस्ते और काजू कूट लिए हैं मोटे मोटे। ये हमारे पास मखाने हैं और गोंद है, हम इसको बैग में डालेंगे और मोटा मोटा कूट लेंगे या क्रश कर लेंगे। अब हमारे पास इस बोल में क्रश किए हुए फूल मखाने, चार गोंद, आलमंड्स, चार मगज, पिस्ते और काजू, किशमिश मैंने इस बोल में शामिल कर दिए। मैंने आधा कप भर के मखाने बचा कर रखे थे साबित, तो वो साबित मखाने भी इसमें मैंने शामिल कर दिए। तो अब हम ये तैयार करके एक तरफ रख लेंगे बहुत हल्की आंच पे। अब हम इसमें घी शामिल करेंगे और ये सूजी भी इसमें शामिल कर देंगे बहुत हल्की आंच पे। हमें इसको भूनना है। अब इसमें हम ये खोपरा भी शामिल कर देंगे। जो मेरे पास इंग्रेडिएंट्स में स्लाइस बादाम के साथ साबुत बादाम लिए थे, तो वो साबुत बादाम और काजू पिस्ते थोड़े थोड़े से लेकर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिए थे, तो ये मेरे पास ग्राइंड किए हुए नट्स हैं जो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। सूजी के साथ इसको भूनेंगे अच्छी तरह, खूब हाथ चलाते रहना है, इसको अच्छी तरह स्टर करते रहना है। ये देखें सूजी अच्छी तरह भून चुकी है, बहुत जबरदस्त भुनने की खुशबू आ रही है और घी बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि इसमें घी है। और देखें इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ है, बहुत लाइट सा भुनने का कलर आया है इसमें। अब इसमें क्योंकि ये तकरीबन रेडी है, इसमें पिसी हुई इलायची शामिल कर दें। अब इसको हम ठंडा करेंगे, चूल्हा बंद कर दें, फिर उसके बाद इसमें हम शुगर और नट्स शामिल करेंगे। तो ये अब सूजी हमारी कम्प्लीटली कोल्ड हो चुकी है, ठंडी हो गई है। अब इसमें हम ये शुगर ऐड कर देंगे। शुगर हमें बारीक वाली चाहिए इस तरह की, अगर आपको मोटी वाली मिले तो आप इसको पीस लें और फिर यूज कर लें। तो इसको इस तरह मिक्स कर दें। अब ये सारी चीजें जो हमने मिक्स करके रखी हुई है ये हम ऐड कर देंगे इसमें। आप इसे किसी भी कंटेनर में, एयरटाइट कंटेनर में या किसी जार में भर के रख लें तो आप इसे महीनों आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो ये मिक्स हो चुकी है। जब आप नट्स का कुछ हिस्सा साबित रखें, कुछ मोटा मोटा कूट कर और कुछ हिस्सा कोर्सली ग्राइंड करके शामिल करें। इस तरह पंजीरी बहुत मजे की बनती है और देखने में भी जबरदस्त लगती है। पंजीरी बहुत जबरदस्त चीज है कि आप इसे अपनी फैमिली को या फ्रेंड्स को एज ए गिफ्ट भी भेज सकते हैं। अच्छे से खूबसूरत बॉक्स में भरकर गिफ्ट करें। बहुत मजेदार सी पंजीरी तैयार है। मेरे जिन सब्सक्राइबर्स ने इसकी फरमाइश की थी वो भी और आप सब भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और फिर मुझे अपनी फीडबैक दें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग रिजानस कुकिंग। बाय फॉर नाउ।